भाई फाइनली स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है, अभी सोलंग वैली पहुंचे भी नहीं है भाई। चलो गाइस वेलकम बैक टू आवर व्लॉग, आई होप आप सभी लोग सही हो। सही हो तो दो मिनट लगा फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी हम सब लोग नहा के रेडी हो चुके हैं, अभी थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे सोलंग वैली के लिए। ये हमारे विपरीत दोस्त देख लो, नाचो भाई सारे गाना बजाता है, अभी नाचते हैं भाई। ओवरव्यू देख लो आप पूरा, रात को स्नोफॉल हुई थी, माइनस कितना टेम्परेचर था, अभी -8 टेम्परेचर भाई। कुल्फी जमने को हो रही है, कुल्फी जमने को हो रही है, ऐसी हो रखी है सबकी। चलो अभी थोड़ा नाचते हैं, बताता हूं आपको। हम लोग सारे निकल चुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए पहले, उसके बाद हम सारे जाएंगे भाई सोलंग वैली की तरफ। कल रात का खाना तो मेरे को ठीक ठीक लगा था, बाकी भाई से पूछ लेते उनको कैसा लगा भाई कल रात का खाना, कैसा लगा था आपको? एक नंबर हो रहा था, पर 100 नंबर तो जब भी नहीं दे सकते हम रेटिंग में। तो दाल कैसी लगी मेरे को? दाल थोड़ी ठीक ठीक लगी, दाल सही थी मेरे को, ठीक ठीक लगी मेरे को, इतना मजा नहीं आया। बाकी आप लोग भाई एक बार सामने का अब व्यू देखो, अब थोड़ी धुंध हटी है भाई, कितना ही प्यारा लग रहा है। रात को स्नोफॉल हुई थी भाई, काफी ज्यादा ठंडा है अभी भी उधर, फिर भी धुंध है। हाँ उधर फिर भी धुंध है अभी भी। चलो अभी चल लेते हैं, एक बार खाना वगैरह खाते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं खाना कैसे था। आफ्टर दैट हम लोग निकलते हैं सोलंग वैली के लिए भाई। ब्रेकफास्ट में हम लोगों को मिल रखा है पूरी, भाजी, उपमा और बॉइल्ड एग विद चाय। चलो फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं, देन निकलते हैं। लिए दो भटूरे, थोड़ी सी आलू मटर की सब्जी और उपमा विद सम अमेजिंग व्यू। भाई ने लिया भटूरे और आलू सब्जी। चलो खाते फिर बताते हैं फिर कैसे। हम लोग फाइनली अभी लोग निकल चुके हैं खाना वाना खा के, अभी थोड़ी देर में हमारी बसेस निकलेगी आज से सोलंग वैली के लिए। आज का खाना अच्छा था, बस उपमा मेरे को थोड़ा नमक वाला लगा, ये सारे कह रहे सही था क्योंकि मैं नमक कम खाता हूँ तो मेरे को लग रहा होगा। भाई तेरे को कैसा लगा मित्तल खाना? भाई मैंने उपमा तो लिया नहीं था, छोले भटूरे लिए थे, बहुत बढ़िया थे, आलू सब्जी और छोले। सुमित तेरे को कैसा लगा? सभी बढ़िया था और चाय भी बढ़िया हो रही थी चाय। भाई चाय एक नंबर थी, चाय ने सारी नींद खोल दी, सारी ठंड भगा दी आज की। भाई पीछे से व्यू देख लो, अब फटाफट चलते हैं, थोड़ी बहुत शॉर्ट्स बनाते हैं अपने YouTube के लिए। आफ्टर दैट आपको लोगों को दिखाते हैं हमारी जब बसेज आ जाएगी। बस वैसे तो खड़ी हुई है हमारी, एक ट्रैवलर वहाँ पे खड़ी है, बाकी आ जाएगी अभी थोड़ी देर में, देन हम लोग निकलेंगे सोलंग वैली के लिए। चलो थोड़ी देर में करते बात। तो भाई एक बार हम लोग अभी जा रहे हैं अपने रूम में कैब लेने के, काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ गई एकदम से, पता नहीं क्या हुआ। सामने एक बार आप पहाड़ पर देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी ज़्यादा ठंड हो रखी है अभी, चारों तरफ एकदम से पूरा का पूरा धुंध ही धुंध हो चुकी है। ऊपर पहाड़ों में बर्फ़ हो रही है, सोलंग वैली में बर्फ गिरनी चालू हो चुकी है ऐसा हमें सुनने में जस्ट अभी आया है। देखते हैं किन देर में हमारी ट्रैवलर निकलेगी, क्योंकि बच्चे अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है भाई थोड़ा टाइम तो उन्हें भी लगेगा। आफ्टर दैट वो लोग रेडी होके आएंगे। अब फटाफट चलते हैं अपनी कैब वगैरह उठाते हैं, देन आते हैं। तो भाई हम अपनी कैब तो लिया है अभी, लेकिन भाई बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है, हम लोग दूसरे होटल तक जा ही नहीं पा रहे। ये हमारे दोस्त भी आ चुके हैं नीचे, एक ये मेरा एक ये रहा भाई, यहाँ के कुत्ते बहुत बड़े बड़े हैं, बोला जी मत जाना काटेंगे ऐसा, चार जन्मों तक याद रखोगे ना मित्तल खिलो। हाँ प्यार से रखोगे तो भाई करेंगे, अब देखते हैं भाई कैसे जाएंगे। बारिश थोड़ी धीरे होने के बाद निकलेंगे हम लोग, देख करते हैं भाई बारिश को और कोई ऑप्शन नहीं अभी हमारे पास। सेना कभी खेलूंगा सारे राज अपने, मैं तुझको दे दूंगा मेरी जान, तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगता ना जिया तेरे बगैर, तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी बात। स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है, अभी सोलंग वैली पहुंचे भी नहीं है भाई। तो भाई अभी हम लोगों ने ड्रेस चेंज कर दिया, अभी सोलंग वैली पहुंचे नहीं है, थोड़ी देर में अभी सोलंग वैली पहुंच जाएंगे, पहले ड्रेस चेंज करने के लिए रुकवा देता। और भाई बर्फ इतनी ज्यादा हो रखी है ना,
भाई जिंदगी में पहली बार देखे लेकिन एक नंबर मजा आ रहा है भाई। कैसा लग रहा है बर्फ देख के भाई? बहुत बढ़िया। मुंह में ये वीडियो मेरे चैनल पर भी आएगा, हम दोनों खुले परेशान हैं, एक दोनों के दूसरे के चैनल पर। ये वीडियो मेरे चैनल पर भी आएगा तो भाई भाई के चैनल पर भी जाकर देख लेना वाली वीडियो। और मेरे को कमेंट जरूर बताना आप लोगों को मजा आ रहा है नहीं आ रहा मनाली वाली सीरीज में। चलो भाई फटाफट सारे ड्रेसअप होते हैं फिर चलते हैं। तो भाई अभी हम लोगों को बस ने छोड़ दिया है रास्ते में ही क्योंकि आगे बहुत ज्यादा ट्रैफिक लग रही है, हमें पैदल ही जाना है। ये देखो भाई सारी हरकतें कर रहे हैं भाई। अभी चलते हैं ऊपर सोलंग वैली की तरफ, पैदल पैदल ही जाना हम सबको। चलो उसके बाद करते हैं आप लोगों से बात। ये मैं हूँ, ये मेरी मनाली है। ठीक है भैया, ये बर्फ का गुस्सा है। तो भाई अभी हम लोग आ चुके हैं नेहरू कुंड, यहाँ पे भाई काफी ज्यादा मजा आ रहा है। सोलंग वैली अभी बंद है, यहाँ पे हम समझते हैं मजा आ रहा है सबको। तो भाई अभी फिलहाल इंजॉय करते हैं फटाफट, क्या आप लोगों से मिलते हैं। तो भाई अभी हम लोग आ चुके हैं नेहरू कुंड पे, सोलंग वैली जा नहीं सकते क्योंकि आगे पूरा बंद करा हुआ है पुलिस वालों ने, इस वजह से हम लोग आगे जा नहीं सकते, इसलिए हम लोग यहीं पे मस्ती कर रहे हैं। और वही आ रहे हैं मजे, भैया का रिएक्शन देख लो, वो लोग वापस अभी तक अपने खेल रहे हैं बर्फ के साथ। ये देख लो भाई ओवरऑल व्यू। तो भाई अभी हम लोग निकल चुके हैं दूसरी वाली साइड के लिए, उस साइड बहुत देर खेल लिए, अब उधर चलते हैं। इधर सामने रिवर भी, आप लोगों को रिवर दिखाता हूँ भाई। इतनी ज़्यादा बर्फ है, थोड़ा तो फायदा उठाते ही है, स्नोमैन बनाते हैं। सुमित भैया लग गया, देखते कितनी देर में बनाएगा। वाले लोग को यही पे एंड करते हैं, आप लोगों को पसंद आया, और पसंद आया तो स्टे ट्यून रहना, आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लोग आएंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब याद से कर दो। सुमित कैसे लगा यहाँ पे? मजा आ गया।